आज का पहला सवाल है, कौन सा विटामिन रवा और उष्मा में सरलता से नष्ट हो जाता है? ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, मसूड़ों में से रक्त आने से पीड़ित व्यक्तियों को आवश्यकता होती है। मसूड़ों में से रक्त आने से, ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी या फिर विटामिन ए। तो सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन बॉस, कॉल्फ, ऑपेरिन, फाइटोक्रोम। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कॉल्फ ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आंखों में पुतली के व्यास को बदलने की क्षमता होती है आयरिस में, सिलियरी, पेशियों में, विट्रियस ह्यूमर में, कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलियरी पेशियों में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु में हृदय एक्ट में 4 कोष्ठ होते हैं? सही जवाब हो जाएगा क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में, पक्षी और स्तनधारी में। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर कोई नहीं। एंटीबॉडी का निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोब्यूटेन, आइसोप्रेन, प्रोपेन, आइसोप्रोपेन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रोपेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल तथा गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, ग्लूटेलिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूटेलिन। नेक्स्ट, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है बायालिंद, डायालिंद, बायानीलय या फिर धमनी। सही जवाब हो जाएगा दायालिंद। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? लाल रक्त, श्वेत रक्त, रक्तधारी, जीवाणु। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रक्त। अगला क्वेश्चन है, टिटनेस का क्या लक्षण है? पेट में दर्द रहना, टॉन्सिल बढ़ना, ठंड लगना, जबड़ा जकड़ना। ऑप्शन नंबर डी, जबड़ा जकड़ना टिटनेस का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व स्वास्थ्यवर्धक एवं रक्षात्मक होता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, जल और रुचांश। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, 24 घंटों में बच्चों को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए? 24 घंटों में बच्चों को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए? 5 बार, 3 बार, 6 बार या फिर 4 बार। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।